आपका पहला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? ए इडियोग्राफ, बी पेंटाग्राफ, सी अर्गोग्राफ, डी सीस्मोग्राफ। आपका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। आपका दूसरा सवाल है, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए थर्मामीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी फेडोमीटर, डी स्टेथोस्कोप। सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका तीसरा सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। आपका सही जवाब है बृहस्पति। आपका चौथा सवाल है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी कश्मीर, डी राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन सी कश्मीर। आपका पांचवा सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा और निकेल। आपका छठवां सवाल है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। आपका सातवां सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रवींद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। आपका आठवां सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड केनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड केनिंग। आपका नौवां सवाल है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्राह्म समाज ने, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्य समाज ने। आपका दसवां सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आने वाली है। वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।